आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। इस समय NIT 5 के बाहर के रोड पर खड़े हुए हैं, जो रोड गांधी कॉलोनी चौक से नीलम चौक की तरफ जाता है। सामने हंडाई का शोरूम देख पा रहे हैं, सामने DM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सामने नीलम थाना पड़ता है, NIT 5 का थाना पड़ता है। और ये सामने डोमिनोज का एक शोरूम है जो अभी ओपन नहीं हुआ है। क्या आप ही का परिवार का है भैया? कहाँ के हैं? एक चलो, ये देखिए, ये एक एक्सीडेंट हुआ है, भीषण एक्सीडेंट हुआ है इको गाड़ी का। ये सामने पहले शोरूम देखिए, डोमिनोज का शोरूम है जो कि अभी ओपन होने की कगार पर है, ओपन हुआ नहीं है। और ये देखिए, एक्सीडेंट हुआ है इस इको गाड़ी का। और ये देखिए, स्कूटी सवार का, गाड़ी अभी भी ऑन कंडीशन में है क्योंकि ये सामने गाड़ी का बल्ब अभी तक जल रहा है। स्कूटी, ये देखिए स्कूटी है और ये स्कूटी का नंबर है HR87B3801। और ये बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है और इको गाड़ी का नंबर HR51CL8856। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली हमें, कि ये जो स्कूटी सवार है ये रॉन्ग साइड था और ये जो इको सवार है ये सामने से नीलम पुल की तरफ से बहुत स्पीड में आ रहा था और जिसके कारण से ये जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। और स्कूटी जो है बिल्कुल इको गाड़ी के नीचे घुसी हुई है और आप इस सामने अपने फ़ोन में देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भीषण रहा होगा। क्योंकि ये जो इको है, देखिए फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा चबूतरा सा बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ गया है। ये कंडीशन देखिए उस पहिए की। और देखिए गाड़ी का इंजन तक जो है, स्कूटी का जो इंजन है वो गाड़ी के नीचे है। बहुत भीषण एक्सीडेंट है क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन लग रही है, देखिए हेलमेट भी यहाँ नीचे दबा हुआ है। अब स्कूटी सवार ने हेलमेट डाला हुआ था या नहीं डाला हुआ था कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन स्कूटी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त टक्कर रही होगी। और ये देखिए पीछे से फिलहाल गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं HR51CL8856। और बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हुआ है। व्यक्ति कौन है, किसकी गाड़ी थी, किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी जानकारी भी कुछ भी नहीं मिली है। लेकिन जो स्कूटी की जो स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है। भैया कुछ बता पाएंगे कब एक्सीडेंट हुआ था ये? अभी आ रहे हैं। अच्छा, पहले हो चुका है। अच्छा, आपको नहीं पता, किसी को भी? मेरे को पता, 8:30 बजे के करीब 8:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, तो क्या कैसे, किसकी गलती, कुछ पता है आपको? सर गाड़ी दोनों की गलती है। दोनों की गलती है, कैसे? ये गाड़ी बाइक यहाँ से जा रही थी, वो वाली गाड़ी इधर से आ रही थी। ये जो स्कूटी है ये रॉन्ग साइड था? हाँ, दोनों रॉन्ग साइड में चल रहे थे। दोनों कैसे रॉन्ग साइड में? एक तो रॉन्ग साइड, ये जा रहा था यहाँ से, वो जा रहा था वहाँ से, उस वाली रोड से। दोनों, उसको इस साइड आना था, इसको उस साइड जाना था। ये जो ये गाड़ी है, इको गाड़ी है, जो चार पहिया गाड़ी, उस साइड से आ रही थी, वहाँ से आ रही थी। ये गाड़ी सही थी? हाँ, वो ये वाली भी जा रही थी इस साइड से, दोनों क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, दोनों क्रॉस कर रहे? हाँ, उसको इस तरफ आना था, इसको उस तरफ जाना था। अच्छा अच्छा, तो दोनों गाड़ी रफ्तारी में थी। अच्छा, दोनों रफ्तार में थे। हाँ अच्छा, तो आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, मैं जब आया हूँ, जब हो चुका था, लोग बाग बता रहे हैं यहाँ पे, सब लोग बता रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं, ये आप जो उस समय मौजूद थे उन्होंने बताया आपको? हाँ, ऐसे हुआ था। हाँ, मैं बस 5 मिनट लेट हुआ हूँ। वो बंदा यहाँ पे गिरा है, उसका हेलमेट जाकर वहाँ पहुँचा है। और व्यक्ति कौन था, कुछ पता लगा कहाँ का था, कौन था? ना, ये पता नहीं चला। एडमिट इसी हॉस्पिटल में हुआ है, DM हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ, कैसे तब ये बताया जा रहा है कि उसकी सांस चल रही थी, बस खाली सांस चल रही थी। हाँ, खून वून बताया जा रहा है कि ठीक है ऐसे। हाँ, स्कूटी वाला जो है, खून वून तो कहीं से नहीं निकला। अच्छा, वैसी मौत ही चोट में आया वो। अच्छा, हाँ जी। तो क्या व्यक्ति था या कोई बच्चा था? नहीं, व्यक्ति था, अकेला था, सिंगल आदमी था। सिंगल आदमी। हाँ, 8:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस समय यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने बताया कि मैं इस समय एक्सीडेंट के टाइम पर यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोग एक्सीडेंट के टाइम पर मौजूद थे उन्होंने जो बताया वैसी इन्होंने जानकारी दे दी है। और ये देखिए गाड़ी, इको गाड़ी का शीशा बिल्कुल आगे से बिल्कुल टूटा हुआ है। बम्पर वगैरह भी, जो आगे का इंजन का हिस्सा होता है, वो भी दबा हुआ पूरा। ये देखिए, और एक्सीडेंट की स्थिति जो बता रही है वो बिल्कुल ही, ये बयान कर रही है कि जो एक्सीडेंट है वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि स्कूटी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता, हर जगह से टूट चुकी है। इंजन अलग है, बॉडी अलग है, गद्दी अलग है स्कूटी की, सब कुछ अलग है, मीटर तक अलग है। और जो हेलमेट है वो गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है, देखिए ये गाड़ी के नीचे। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई बताएगी कि किसकी गलती है, किसकी नहीं। कैमरे भी आस पास देखे जा सकते हैं। तो
फिलहाल ये अपडेट N85 की बाहर की रोड, जो कि रोड गांधी कॉलोनी चौक से N80 थाना रोड से जो नीलम चौक की तरफ जाता है, और ये सामने डोमिनोज देख पा रहे हैं, ये अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसके सामने बिल्कुल ही एक्सीडेंट हुआ है इको का और स्कूटी सवार का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा, बहुत बहुत धन्यवाद।